सो मैं आपको यहां पर एक लाइफ को लेकर एक प्रिंसिपल या फिर एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूं. एंड वो फॉर्मूला ये है, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट. सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट या आउटकम. मतलब बहुत सिंपल है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रहा है, इस सिचुएशन के अंदर आप कौन सा रिस्पॉन्स लेते हैं वैसे आपको रिजल्ट मिलता है. अब अगर आपने उस सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव. अगर आपने उस सिचुएशन के अंदर नेगेटिव रिस्पॉन्स लिया तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव. एज सिंपल एज दैट. जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको मैंने कहा था कि अगर मोबाइल फोन गिर गया और वो ब्रेक हो गया, टूट गया, और वहां पर रोते बैठेंगे कि यार मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, तो क्या होगा? वो आने वाले 7 दिन के अंदर भी क्या होगा? डिप्रेशन में रहेंगे. जो भी इंसान मिलेगा उसको हम क्या बताएंगे? अरे मेरा फोन ब्रेक हो गया, टूट गया, 50,000 का नुकसान हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. यानी वो ऐसे बताएगा कि मानो उसने वर्ल्ड कप जीता है. राइट. सो हर समय पर क्या हो रहा है? वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहा है. मगर इंस्टेंट सिचुएशन वही है, मोबाइल फोन गिर गया, ब्रेक हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, मगर वो रोने की बजाय वो सिचुएशन में रिस्पॉन्स ये ले रहा है कि यार वाओ बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज वो भी नहीं चाहता था कि इतना फालतू वाल यूज करो, अब इसे बेहतर यूज कर. राइट. यानी कि एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव लेना वो तो हमारे हाथ में, बिकॉज सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है. अगर रिस्पॉन्स हमने सही तरीके से लिया तो रिजल्ट भी हमें 100% सही तरीके से मिलने वाला है.